आईपीएल 2020 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आईपीएल के लिए दुबई में ठहरे सीएसके दल के 13 सदस्य कोरोना की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। जांच में जो दो खिलाड़ी कोविड 19 से संक्रमित हैं, उनमें भारतीय टीम के टी20 विशेषज्ञ गेंदबाज के अलावा भारत ए टीम के शीर्ष क्रम का एक बल्लेबाज शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ कप्तान एमएस धोनी ने आईपीएल में टीम को संभालने का अपना अलग ही प्लान तैयार कर लिया है। उन्होंने सीएसके के मालिक एन श्रीनिवासन को भरोसा दिलाया है कि चिंता का कोई कारण नहीं है। श्रीनिवासन ने खुलासा किया है कि धोनी के शांत रहने से सीएसके के खेमे में विश्वास पैदा हुआ है कि 19 सितंबर को आईपीएल 2020 के शुरू होने से पहले चीजें खत्म हो जाएंगी। एन श्रीनिवासन ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने धोनी से बात की थी, वो किसी भी चीज से हैरान नहीं है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर संख्या बढ़ती है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। उन्हें जूम कॉल के माध्यम से खिलाड़ियों से उन्होंने बात की और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए कहा। श्रीनिवासन ने कहा कि मुझे एक ठोस कप्तान मिला है, धोनी चिंतित नहीं है, इससे टीम में सभी का आत्मविश्वास बढ़ा है। धोनी की अगुवाई वाली सीएसके टीम इस साल अपना चौथा आईपीएल खिताब जीतने के लक्ष्य से मैदान में उतरेगी। पिछले साल वो केवल एक रन से चूक गई थी, वो फाइनल में मुंबई इंडियंस से हार गई थी। 29 अगस्त को सुरेश रैना भारत लौट आए थे, वो आईपीएल में नहीं खेलेंगे। रैना के बाहर होने पर श्रीनिवासन ने कहा कि क्रिकेटर्स पुराने जमाने की सोच ये है कि यदि आप अनिच्छुक हैं या खुश नहीं हैं तो वापस चले जाएं। मैं किसी को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करता, कभी कभी सफलता आपके सिर चढ़कर बोलती है। हालांकि सुरेश रैना पर दिए बयान ने श्रीनिवासन पलटते दिखे। बाद में उन्होंने कहा कि रैना के लिए उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए श्रीनिवासन ने कहा कि उन्होंने रैना के खिलाफ कभी बयान नहीं दिया, बल्कि वो तो रैना की चेन्नई की सफलता में योगदान को अनमोल मानते हैं। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।